ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। डराना खाब, यह शुक्र खाब था, ये जो है ना कर्जदार, ये खाब में भी पीछा नहीं छोड़ता जी, अल्लाह दोबारा नहीं सोनेगा, फिर आ जाएंगे नहीं। सुबह सुबह सब फारिग लगे जी। क्या आप भी परेशानों से परेशान हैं? क्या आप अगर नींद में वो पीछा नहीं छोड़ते तो तुम हमारे बाबा कर्ज उतारो वजीफे से फायदा उठा, ऐसे ही हाल रहने कंजे। पर जैसे बाबा बोलता तुम भी वैसा करो। हुक्म करने का क्या करने का, हुक्म करने का। इसके लिए आपको दो दिन तक चुप का रोजा रखना होगा, तुमको दो दिन तक बात नहीं करना किसी से, चुप बिल्कुल चुप 48 घंटे में हस्बत 48 घंटे तुमको चुप रहने का। अरे बाबा आज तो बनवा दो, इतने अरसे से कह रहा हूँ। नहीं बच्चू, आज तो डैडी के पसंद का ही खाना बनेगा, कभी कभी तो आते हैं वो। हाँ बाबा कभी कभी हर हफ्ते आ जाते। तुम अपनी सिंधी बिरयानी किसी और दिन बनवा लेना, आज तो डैडी के पसंद का ही खाना बनेगा बस। अरे बाबा अजीब डैडी गिरी है बाबा। यू मीन दादा गिरी? नहीं बाबा डैडी गिरी, एक डैडी ने इतना तंग किया हुआ है बाबा, अगर दादा भी होते मैं तो खुद कुछ ही कर लेता। बात कर दियो बच्चू, बच्चू खाना तो डैडी की मर्जी का ही बनेगा बस। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ नहीं मैं शहरयार को बोल दूंगा, हाँ पहुँचा देगा वो, पहुँचा देगा। चलो ठीक है, ओके ओके बिल्कुल ठीक है, ठीक है बाबा, हाँ ओके अल्लाह। ये फ्रिज है, ये उम्र यार का थैला नहीं, कुछ ना कुछ निकल आएगा। हाँ पता है, पानी की बोतल देख रही थी। क्यों, क्या बोतल के रंग के हिसाब से पानी पीती हो? क्या मतलब? मतलब ये कि 6 बोतलें पड़ी हैं फ्रिज में, फिर भी फ्रिज खोल के ढूंढे जा रही हो, क्या कोई खास रंग की बोतल है जिसकी तलाश है? अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, बताओ कि भला खाने में क्या बना रहे हो? सीमा मैडम कह रही है आज बड़े साहब की पसंद का खाना बनेगा। वो बुड्ढे के लिए? मेरा मतलब है कि अंकल के लिए, वो तो घास फूस के सिवा कुछ खाते ही नहीं है। अरे भाई मैडम ने कहा है, उनका हुक्म सर आंखों पे। पता है तो मैडम के लिए ना अपनी आंखें ना माथे पे रख लेते हो, मैडम का चमचा कहीं का ना हो तो अलग से पैसे लेने पड़ेंगे मुझे, ये दिन रात मेरे टॉर्चर बनी हुई है। या अल्लाह, या तो इसको उठा ले या इसी को ही उठा ले, या अल्लाह क्या करूं। अरे बाबा आइए 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 बाबा, इतना आते हफ्ते में 2 बार आ ही जाते हैं। अरे बाबा सब खैरियत तो है, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, सूरज कहां से निकला है? अरे बाबा लगता है आपको यहाँ पे चैन की नींद काफी आती है, हर 2 दिन बाद आप यही होते हैं। अरे बाबा ये सीमा के डैडी है ना बाबा, 2 बार तंज किया है, जवाब नहीं दे रहे हैं। अरे डैडी आप यहाँ हैं? अरे तो बाबा कहाँ होंगे, अपने घर में तो इनका दिल कम ही लगता है। क्यों डैडी आज सारा खाना आपके पसंद का बनेगा, बताए क्या बनवाऊं? डैडी बताए ना क्या बनवाऊं? मगर एक बात याद रखना, किसी से बात नहीं करना, नहीं तो वजीफा वापस हो जाएगा।
डैडी क्या हुआ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे बाबा मैं भी कब से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने पूछा जूस पियेंगे, कोई जवाब नहीं है बाबा। अरे डैडी क्या हुआ है? सीमा मैडम आज क्या बनाना है? अच्छा वाह जानी तुम आ गए, देखो ना डैडी कुछ बोल ही नहीं रहे। एक मिनट मैं देखता हूँ, सांस तो चल रही है, मेरे ख्याल से सांस रुकने का इंतजार ना करें, ऐसे ही दफना दें। अरे बाबा क्या बात करता है, माफ कीजिएगा मुआयने में थोड़ी गलती हो गई थी, लाश जिंदा है, मेरा मतलब है सांप जिंदा है। बेवकूफ वो तो हमें भी बताए, मैं कह रही हूँ कि डैडी कुछ बोल नहीं रहे। वैसे तो पापा बहुत अच्छा है नहीं बोल रहे, लेकिन चेक करो क्यों। अंकल जी आप यहाँ? अरे पापा बड़े दिनों के बाद आए, पूरे 6 दिन के बाद। क्या बात है, आप क्या भला नाराज हो? लगता है दांत में दर्द है ना? अरे अंकल ज्यादा परेशान ना हो, कुछ ही दिनों में ना ये सारे दांत गिर जाएंगे। अब भला उम्र भी तो आपकी इतनी हो गई है ना। आप अंकल अब देखो ना, अब सारे दांत तो भला कभी ना कभी तो गिरने ना, आप भी ना आ सारे कदमों में शामिल होने वाले हो। ओ मेरे को लगता है कि शायद आसारे कदीमा इनको बोलना ठीक नहीं लगा। चलो बोला ठीक है, मेरे को क्या है, मैं बोला किसी को फोन कर रही थी। सकीना हेलो बच्चू, क्या हो गया बच्चू? अच्छा बाबा मत हो नाराज, बनवा रही हूँ ना सिंधी बिरयानी। है बाबा वाह कही। हाँ डैडी को पता नहीं क्या हो गया, किसी से बात ही नहीं कर रहे। जी मैडम खाने में क्या बनाऊं? अच्छा वाह जानी जो तुम आ गए, ये फ्रंट टाइप का आदमी आपको परेशान तो नहीं कर रहा जानी तुम्हारे? अरे बाबा क्या तुम दोनों शुरू हो गए आपस में ही, जानी ये डैडी का तो कुछ करो। आज रात ही करता हूँ, लाश भी नहीं मिलेगी। क्या क्या बकवास कर रहे हो, खबरदार जो डैडी को आंख उठाकर भी देखा तो। अरे मैडम क्या बात करिए, बिना देखे किया ना तो मसला हो जाएगा, ऐसा ना हो डैडी की जगह इनका काम तमाम हो जाए। तो क्या बेवकूफ वाली बातें कर रहे हो तुम, मैं कह रही हूँ कि डैडी किससे बात नहीं कर रहे, मुझे लगता है वो नाराज है। अच्छा अच्छा तो ये बात है। अरे बाबा तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही इतनी देर से। इस मसले का ही ख्याल है, आप डैडी को ना पुलिस के हवाले कर दो, पुलिस ने तो अच्छे अच्छे लोगों के मुंह खुलवा दिए, डैडी क्या चीज है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इसके बाद एक फिजूल आईडिया दिए जा रहे, हटो यहाँ से। जानी बाबा बात तो तुमने ठीक की है, वो अलग बात है सीमा का गुस्सा आ गया। जानी भाई के आईडिया कभी बुरा हो सकता, पता नहीं क्यों मार कर जाते लोग। मैं जाऊं? जाओ जाओ बाबा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अस्सलाम वालेकुम सर, सलाम दिया है सर, मैंने कहा ड्राइवर हूँ साहब, मैंने आपको सलाम किया है कोई जवाब ही नहीं दिया आपने। अच्छा साहब जवाब नहीं देना तो ना दें, बच्चू साहब हैं साहब, ऐसा क्या खा लिया कि आपकी आवाज़ ही चली गई? अल्लाह की कसम मुझे भी बता दें, अपनी बीवी को खिलाना है। अजीब आदमी है यार, शादीशुदा इंसान की मजबूरी को भी नहीं समझते। बच्चू भाई लगता है बहुत खा लिया, खरीद बुलाया आपने? हाँ जानी मैंने बुलाया, वही डैडी वाला मामला। इसका मतलब अभी तक नहीं बोल रहे वो? अरे नहीं बाबा, ना कुछ बोलते हैं ना कुछ बताते हैं ना समझाते हैं। अरे तो ये तो अच्छी बात हो गई, इतना खुशगवार माहौल आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या? जानी मेरे ख्याल से किसी बात पे खफा होंगे, क्यों इतना सीरियस ले रहे हैं? अरे बाबा मेरे को पता है कि उनके साथ क्या मसला है। क्या मसला है? वो अंकल के ना दांत में दर्द है, इसलिए वो बेचारे बोल नहीं रहे। नहीं नहीं दांत में दर्द नहीं हो सकता, ये नामुमकिन बात है। वैसे मैडम वजह बड़ी माकूल है। अरे मैं कह रही हूँ ना जानी, ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। अरे बाबा कैसे नामुमकिन है बाबा, क्या लोहे के चने चबाए उन्होंने जो उनके दांत में दर्द नहीं हो सकता? अरे उनके दांत नकली हैं। क्या? हाँ वो 32 लगाते हैं, लेकिन इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है, क्या हुआ अगर ऐसा है भी तो? हाँ बाबा क्या हुआ नहीं क्या होगा बाबा, बुढ़े बुढ़े लगने लगे। वैसे बच्चों भाई एक बात बताएं, किस एंगल से आपको वो जवान लगते हैं?
हाँ बाबा मैं तो उन्हें असारे कदीमा से मिला रही थी, लेकिन वो तो उससे भी पुराने निकले। अरे तुम लोग ये किस फजूल बकवास में पड़ गए हो, मुद्दे से मत हटाओ, ये सोचो कि डैडी का क्या करना है, वो कैसे बोलेंगे। मेरे पास वैसे एक तरकीब है, आइए मैं आपको बताता हूँ। हाँ बाबा बोलो। आप बला कुछ नहीं खा रहे, अब मैं डाल के देती हूँ, चावल खाओ चावल, बूटी नहीं है अब खा लो। ये स्पेशल वाला रायता भी, ये मैं आपको खुद डाल देता हूँ। अंकल खाए ना, ये ले ये ऐसे। जानी तुमने मिर्चे तो ज्यादा नहीं डाली ना, तुम्हें पता डैडी मिर्चे नहीं खाते। ओ, नहीं नहीं वो थोड़ी सी डाली है। अरे बाबा मुझे लगता है आपके निवाले में मिर्च आ गई। हाँ, ये खा, हाँ, ये पिए बाबा, ये पिए पिए पिए। ये जूस पी के डैडी को और मिर्ची क्यों लग गई? अरे भाई वो जो मिर्चें बच गई थी ना, वो मैंने जूस में डाल दी। मैंने कहा अगर खाने वाली मिर्ची काम ना करे तो जूस वाली मिर्ची काम कर ले, कैसा? जूनी जानी कभी कभार ना बाबा, तुम बहुत शरारती हो जाते हो बाबा। अरे बाबा इतनी मिर्ची। पानी पिए, पानी पानी, जूस नहीं बाबा, पानी पानी बाबा, पानी दो, पानी आ जाओ। इसमें भी थी। अरे क्या करता है, क्या किया जानी तुमने? खाना बच गया ना, देखो ना। लालमा मार दिया तुमने। अरे बाबा तुमने ही तो कहा था कि बेट खींच के मारना, तो फिर चीख निकली। अरे बाबा मेरे को तो लगता है ये वाकई में ही गूंगे हो गए, वरना जितनी जोर से मैंने बेट मारा ना, कोई गूंगा भी होता ना तो वो चीखे मारता। इन बातों को छोड़ो, इससे पहले कि सीमा मैडम को पता चल जाए हमारे प्लान का, निकलो यहाँ से। अरे भला इस अंकल का क्या होगा? हाँ है अंकल, उठ के चले जाएंगे, उनकी कौन सी याददाश्त चली गई है? और अगर इनकी याददाश्त चली गई तो? हैं? ये तो मैंने सोचा नहीं। चल भी खड़ी क्यों है, भाग, कहाँ भागे यार, भाग, चल जा, चल जा। अरे बाबा सीमा तुम इधर टहल रही हो, मैं तुम्हें बाहर ढूंढ रहा था। सब खैर तो है? नींद नहीं आ रही बच्चों। क्यों बाबा नींद क्यों नहीं आ रही, ऐसी क्या बात हो गई है? डैडी की वजह से परेशान हूँ। पापा उनकी वजह से क्यों परेशान हो, वो सिर्फ बोल ही तो नहीं रहे। तो तुम्हारी नजर में ये कोई बड़ी बात ही नहीं है? नहीं पापा, बड़ी बात तो उस वक्त होती ना जब उनको करोड़ों के खजाने के बारे में मालूम होता और वो बोल ना रहे होते। बच्चू मेरे डैडी खुद करोड़ों के हैं। हाँ पापा बिल्कुल सही कहा, बातें करोड़ों की दुकान पकड़ों की। पापा क्या मेरा मतलब है बाबा, चलो सोने चलते हैं, सुबह सोचते हैं करना क्या है। कैसे पापा? ये तो मुझे भी नहीं पता कैसे, अभी चलो सोने सोते हैं, चल के सुबह उठ के देखना है क्या करना है। चलो बाबा। जानी, जानी। हाँ बोलो। अंकल का पता चला? मर गए क्या? चलो अच्छा हुआ, मुश्किल आसान हो गई। क्यामत वाले दिन भी पता नहीं बोलते हैं कि नहीं बोलते तो सब जाते हुए। अरे पापा मेरी बात तो सुनो। अच्छा बोलो। अरे पापा मैं पूछ रही हूँ कि अंकल को होश आ गया? होश आ ही गया होगा, मर गया होता तो लाश दरवाजे पे मिलती। ये बार बार लाश क्यों बोल रहे हो, मैं अभी उनके कमरे के बाहर से होके आऊँ। बिल्कुल खामोशी है। खामोशी होगी और क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि रात वाले हमले का अंकल को पता चल गया? अरे किस तरह की बातें कर रही हैं आप, आपको तो मजाक की बस आदत ही है। अरे मजाक मजाक में ना वो लेट अंकल हो जाते। अरे अल्लाह अंकल को लंबी उम्र दे। अरे तुम्हें भला क्या हो गया, ये असारे कदीमा की उम्र में जिंदगी गुजारने वाले के लिए तुम जिंदगी की दुआएं कर रहे हो? अरे 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 मैं तो ये कहूंगा कि आपकी मेरी पूरे मुल्क के लोगों की उम्र मालिक को लग जाए। अरे बाबा वो बुड्ढा सटाया हुआ तुम्हारा मालिक कब से हो गया? खबरदार जो मेरे फरिश्ता सिर्फ मालिक के बारे में कुछ कहा। कहा वाला तो क्या करोगे? तो बस आपसे ये कहूंगा पीछे मुड़ के देखे। अरे बाबा जब मैं कमिटमेंट कर लूं तो मैं अपनी भी नहीं सुनती। अरे भाई भला तू अपनी ना सुन मेरी तो सुन, वो पीछे मुड़ के देख। जानी तुम्हारी इतनी हिम्मत? जानी तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम इतने प्यारे अंकल के बारे में इतनी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो?
और अभी भी खामोश है। इसको आप तूफान से पहले आने वाली खामोशी समझें। लगता है ये बुढ़ा भी अभी हम लोगों को छोड़ेगा नहीं। खुदा खैर करे। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे बाबा जानी इधर आओ, बाबा जल्दी आओ। आया 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 जी सरकार, जी 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 जी। बाबा वो मामला सेट हो गया, तैयार हो गई। बच्चू भाई बड़ी मुश्किल से राजी हुई है। अरे बाबा हैं कौन? पड़ोस में रहती है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अच्छा बाबा प्यारी है। अगर मैंने सीमा मैडम को बता दिया ना, अल्लाह को प्यारे हो जाओगे। अरे नहीं बाबा, मेरा मतलब कहने का ये है कि तुमने उनको सारा ड्रामा समझा दिया है ना। फिर ठीक बुलाओ। हाँ बाबा बुला बुला। वाह बाबा जानी वाह। इस ठर के बुड्ढे ने मुझे छेड़ा था। हाँ हाँ यही था। अरे बाबा जानी इनको समझाओ, मैं नहीं हूँ बाबा। नहीं नहीं ये नहीं है, एक बुजुर्ग शख्सियत है कि उन पे इल्जाम लगाना है। यही है, इसी ने छेड़ा था मुझे। शर्म नहीं आती अपनी पोती की उम्र की लड़कियों को छेड़ते हुए? अरे बाबा डैडी आप क्या कर रहे हैं? और ये मासूम लड़कियां झूठ बोलेंगे भला क्या? अरे पापा मुजरिम इकबाल जुर्म करते करते चुप हो गया है। अरे अब ये दोनों कौन है? अरे बाबा ये आपके डैडी की कार्रवाई है। क्या मतलब? अरे बाबा आपके डैडी जो ना इन मासूम छोकरियों को छेड़ रहे थे। डैडी ने छेड़ा है? मेरे पीछे गाना गाते गाते घूम रहे थे। गाना? तुमने इनको अच्छे तरीके से ट्रेन नहीं किया है क्या? चल जल्दी, मैं भूल गया ना। और मुझे भी जान जान कह के छेड़ रहे थे। गाना बजाना, तुम दोनों झूठी औरतें। आपा कसम से इस जानी ने कहा था इन अंकल पर इल्जाम लगाने को। हम तो उनको जानते भी नहीं है। जानी तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे बाबा कितनी बुरी बात है बाबा, आप दोनों तो जाना बाबा। आप बाबा क्या करता है जानी तुम्हें छोड़े? अच्छा भाई मैं चलता हूँ। अरे बाबा पहले रिंग दे देखे जो अब चलते हो। अब जानी को भला रोक लो ना था, जाहिर सी बात है ना, इसने जो कुछ भी किया है ना ये अंकल की वजह से ही किया है। वैसे मैं एक बात बताता हूँ, मेरे जैसा वफादार नौकर मिलेगा नहीं। अच्छा सीमा एक बात बताओ बाबा, अब जानी के बदले का काम कौन करेगा? मैं लेके आएगा, मैं नया नौकर लेके आने का। अरे बाबा डैडी आप बोल सकते? अरे बाबा ये तो बोल पड़े। मैडम देखे मेरी वजह से इनकी आवाज आई है, अब तो मैं रह सकता हूँ ना। हाँ हाँ क्यों नहीं। मेरा वजीफा जी। अरे बाबा कौन सा वजीफा? कर्जदारों के लिए वजीफा था जी, 48 घंटे चुप रहने का, चुप रहने का। वजीफा? डैडी ये क्या हरकतें हैं? अंकल आपका फोन बज रहा है। ये कौन है? कौन है? हेलो। तुमने रात तक हमारा पैसा नहीं दिया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लो ये। तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। चुप कर, बंद कर फोन। अरे कौन है आप लोग? अरे बाबा हज मत किधर है, हमारा पैसा खा के भागा हुआ है। मेरा वजीमा खराब किया ना तुमने। ये जो आप मेरा कोड खराब कर रहे हैं, ये तो लंदे बाजार का, छोड़ दो उसको, कोई बात नहीं। हज मत तू पैसे कब दे रहा मेरे? कभी तो कभी दे जाएगा ना। ये पकड़ो पकड़ो बाबा, ढूंढ गया। अरे अब पापा। अरे बाबा ये क्या हुआ है? बस कर अम्मा। बाबा दो चार घरों से खबर आई है। मौत की? नहीं बाबा भूत की, के भूत है मोहल्ले में बाबा। यानी भूत उनके भी घर नहीं आया? अब बाबा छोड़ो इस बात को, जो मैं कह रहा हूँ वो करो बाबा, रात में कमरे से बाहर नहीं आना। चलो चलो बाबा कमरे में। गिलास की तरह वो अंधीमा काउंटर पे रखा है, उठा लेना। हाँ हाँ पता है, ज्यादा बदतमीजी नहीं करो। अरे भूत, मुझे लगता है आपने बिना मेकअप के अपना मुंह देख लिया फ्रिज में। अरे पको मत, मैंने खुद भूत की आवाज सुनी है। पहले वक्तों में भूत देखे जाते थे, अब आवाज सुन रहे हैं। वाह। अरे दर खोलो दा। कौन आ गया? भूत तो नहीं आ गया बच्चों? अरे बाबा भूत इंटरव्यू देने आया जो दरवाजा बजा कर आएगा अंदर। अरे अदास आई, ये इतनी रात को बोला आप नीचे क्या कर रहे हो? अरे बाबा धक्का देकर पूछती है जमीन पर क्या ढूंढ रहे हो बाबा? पापा खुश की मैं तेरा किसी कराऊ? तेर तेर के क्या जमीन से बोरी निकालो के? रात के इस टाइम तेरा की? अरे बाबा ये बेन थे, बैल की वजह से नीचे गिर गया हूँ मैं। अल्लाह।
हम थोड़ा घबराते हैं। अल्लाह मेरे गुनाहगार खानों ने ये क्या सुन लिया? कह दे के झूठ है। वो क्या कि ये बहुत खतरनाक भूत है। अरे बाबा बाबा एक मिनट मेरी बात सुनो, कोई भी नहीं सोएगा जब तक इस भूत का कुछ नहीं हो जाता है। अरे बाबा तुम लोग इतना डरते हैं क्यों? मुझे लगता है इंसानों के बाद अब भूतों में भी बारिश शुरू हो गया। इम्प्रोवाइज़ी नहीं मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।